जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बब्बल और अमृता की शादी हो गई तो आज तक तुमने इस घर के लिए जो भी भला काम किया इसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इच्छा तुम इस दुनिया में नागों की छवि बदलने के लिए आई थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा कि तुम्हारी वजह से सिर्फ एक इंसान की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो गई और उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। मैं जानती हूँ वाकू, लेकिन अब ये सब होने से कैसे रोकूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना होगा इच्छा, कोई तो रास्ता निकालना होगा। रास्ता निकालने के लिए तो ये सब कर रही थी वाकू, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नागू भी देव मेरा साथ छोड़ चुके हैं। एक मुश्किल से लड़ती हूँ तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं हार रही हूँ वाकू। ये हार सिर्फ तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारे साथ बब्बल की जिंदगी हारेगी, नागिस्तान का गौरव हारेगा। ये वक्त रोने और हिम्मत हारने का नहीं है इच्छा, सोचने का है कि बब्बल को उस अमृता से कैसे बचाना है, क्योंकि बात अब सिर्फ तुम्हारे और बब्बल के प्यार की नहीं है, उसके जीवन की भी है जिसे तुम बर्बाद होने नहीं दे सकती। लेकिन दीदी आप यहाँ अचानक, मेरा मतलब आप इस शादी के लिए तो कभी राजी नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ जो? अब हालात बदल चुके, ग्रहों की दशा बदल चुकी है। हमने विश्वेश्वर नाग से बात की, उन्होंने कहा है कि तुम अभी बबल से शादी कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, अगली पूनम की रात तक हर हाल में तुम्हें बबल को नाग बनाना ही होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होगा दीदी, ऐसा जरूर होगा। एक तो मेरी ताकत और दूसरा आपका प्यार। अब मुझे बब्बल को नाग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूनम की रात इच्छा के लिए अमावस की रात होगी। एक तरफ शंकर और इस परिवार का खात्मा होगा और दूसरी तरफ नागिस्तान तहस नहस होगा। विशैली और विशैलगढ़ की जीत होगी। इच्छा और उसकी अच्छाई हार जाएगी। बोलिए दादी, हल्दी में किस किस को बुलाना है? हल्दी? अरे बावली, पहले संगीत होवे, फिर होवे मेहंदी, और फिर आवे है हल्दी। सॉरी दादी। अच्छा चलिए संगीत से शुरू करते हैं। बोलिए पहला नाम किसका लिखना है? फिर की ना तूने बालों जैसी बात। एक दिन ब्याह को बचा है, एक को बुलाएंगे तो दूसरा छूटेगा। एक काम करते, आसपास के खास लोगों को बुला लेते और ब्याह कर देते, और जब बड़ा जश्न करेंगे सबको न्योता दे देंगे। ठीक है दादी जी, फिर मैं खास लोगों की लिस्ट बना लेती हूँ। वाह, ये की ना अकलमंदी वाली बात। छोटे, मैंने इस शादी रुकवाने का एक अच्छा आइडिया सोच लिया है, एकदम कड़क। अब ये शादी मैं रुकवा के रहूंगा। अरे वाह भाई, मैंने तो सोचा था रोटी शोटी खा के आराम से बैठ के सोचूंगा, आपने पहले ही सोच लिया। बताओ क्या आइडिया निकाला है? उबाला है? अरे आइडिया अंडा थोड़ी ना है जो उबालूंगा, आइडिया निकाला है। ए भाई, जो भी निकाला है जल्दी से मुझे बता दो, मैं लाल किताब में लिख लूंगा। अरे लाल किताब में लिखने का टाइम ना है, तू आ मेरे साथ। और एक बात का ध्यान रखियो, मैं जो कुछ भी दादी से बोलूं तू बस उसके बाद हाँ बोल दियो। क्या बोल दियो? हाँ। हाँ। आ जा ना। क्या बोला? हाँ। अरे दादी। मैं क्या कह रहा था कि बबल की शादी के चक्कर में एक बात तो भूल ही गए हम। कौन सी बात? दादी एक बात बताइए कि बबल और सबल में पहले पैदा कौन हुआ था? सबल ना। हाँ तो? तो जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा हुआ ना। हाँ। तो कायदे से सबल की शादी पहले होनी चाहिए। हाँ। हाँ। है? अरे तो हो गया फैसला, बबल को पीछे छोड़ो, मेहंदी तेल जो कुछ रगड़ना है इस पर रगड़ दो, क्यों यहीं पे है। हाँ दादी, रगड़ दो। तो तय हो गया, सबल की शादी होगी पहले। अरे बाबलो, शादी के लिए एक लड़की भी तो जरूरी है, वो कहाँ से लाएंगे? अरे वो सब मुझे ना पता, इसने बोला है कि पहले इसकी मांग ना भरी गई तो मतलब इसने किसी की मांग ना भरी तो ये खाना पीना छोड़ के भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। अरे मरता मर जाएगा, लेकिन अन्न का एक भी दाना इसके पेट में ना जाएगा।
ना ना हाँ हाँ। अब दादी गिल्ली तुम्हारे पाले में है, देख ले जो करना है। खाली गिल्ली ना, डंडा भी है हमारे पाले में, ला के बचा तो तुम दोनों की पीठ पर। ना। ना। भाई की शादी को एक दिन बचाए, हाथ बटाना तो छोड़, पता नहीं कहाँ से तमाशे ढूंढ के ला रहे हो। शादी तो कल पर ही आ गई, कैसे बचाऊं बब्बल जी को, मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा। लेकिन कुछ भी हो जाए ये शादी को तो रोकना ही होगा। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई इच्छा, मैं तो वही ढूंढ रहा था। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? मैं थैंक यू जो कहना था। किसलिए मतलब? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आने जा रही है। मैं अधूरे से पूरा होने जा रहा हूं। अच्छा कल ही अमृता के साथ मेरी शादी है, तो एक थैंक यू तो बनता है ना। कितना दिल दुखाओगे बेचारी का, लेकिन अच्छा है, जितना उसका दिल दुखेगा उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। अमृता जैसी खूबसूरत लड़की जो कभी मेरे सपने में भी नहीं आ सकती थी, वो आज मेरी जिंदगी में आने जा रही है, वो भी हमेशा के लिए। और अच्छा अगर तुम नहीं होती तो ये सब कैसे पॉसिबल होता? ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है ना, क्योंकि एक तुम ही तो थी जो मेरी शादी को लेकर सबसे ज्यादा खुश थी। और आज देखो इच्छा की इच्छा पूरी होने जा रही है। बब्बल कितने आज्ञाकारी हो तुम, मैंने जो सिखाया जैसे सिखाया ठीक वैसे ही बोल रहे हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन इच्छा तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बारात में सबसे आगे चलना होगा। नाचते हुए या फिर तुम एक और काम भी कर सकती हो, यहां रहकर अमृता को सजा दे, उसे अपने हाथों से दुल्हन बना। तो बोलो क्या करोगी तुम? वैसे जल्दी नहीं है, शादी के पहले मुझे बता देना। ओ लेकिन शादी तो कल ही है, तो फिर जल्दी तो है, तो बताओ अच्छा तुम क्या करोगी? लड़के वालों की तरफ से इस खुशी के मौके पे बारात में नाचोगी, या फिर लड़की वालों की तरफ से दुल्हन के साथ बैठकर उसे तैयार करोगी? ये तीर तो आर पार हो गया, आज तक बहुत नचाया है तुमने मुझे इच्छा, अब मेरी और बब्बल जी की शादी में मैं तुम्हें नचाऊंगी। मेरी बात तो तुम सुनती नहीं हो, बब्बल की बात कैसे टालोगी? और इच्छा एक और बात, इसने तुम्हें बताया कि नहीं आज शाम को ही संगीत है, तो जरा अच्छे से तैयार होके आना, मेरी अमृता के सामने फीकी मत पड़ जाना प्लीज। मुझसे क्या हो गया, मैं तो बब्बल जी को अमृता से बच
सामने ले आऊंगी, मगर वो मत इच्छा। चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं मां? बब्बल जी नहीं जानते उनके साथ क्या होने जा रहा है। अमृता ने उन्हें सम्मोहित करके पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। वो इस शादी को लेकर खुश है। वो नहीं जानते उनके साथ क्या होने जा रहा है, मगर मैं जानती हूँ। अगर बब्बल जी की शादी अमृता से हो गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ माँ कि मैं क्या करूँ, इस शादी को कैसे रोकूं। मैं इसमें तेरी मदद कर सकती हूँ। आप इसमें मेरी मदद कैसे? नागिस्तान में गुरु जी को पता है अमृता के सम्मोहन का तोड़। तो माँ बताइए ना, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर बब्बल जी के ऊपर से अमृता का सम्मोहन हट जाए तो वो शायद खुद ही शादी से मना कर दे। इच्छा, मैं बब्बल को बचाना चाहती हूँ, तेरी मदद करना चाहती हूँ, पर डरती हूँ। बब्बल का सम्मोहन टूटने के बाद तू और बब्बल खुद को रोक नहीं पाओगे, एक होना चाहोगे, और तू जानती है यह संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, मैं तेरा तो विश्वास कर लूं, पर बब्बल का क्या? वो तुझे जिस गहराई से चाहता है, समझा है मैंने उसे, सम्मोहन के टूटने के बाद वो तुझसे दूर नहीं रह पाएगा, और उसके प्यार के आगे तू कब तक और कैसे रोक पाएगी खुद को? आखिर एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगी ना। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब सोचने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अभी हमें सिर्फ बब्बल जी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे किया गया कार्य अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है, और यही गलती तूने की है, और देख क्या हो रहा है। मैं तेरी माँ हूँ और मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहती। मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त माँ? इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। ये कैसी शर्त है माँ? आप तो जानती है इस परिवार ने मुझे कितना प्यार दिया है। आपके और पिताजी की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और मेरा अभियान वो भी तो पूरा नहीं हुआ। अभियान तेरे लिए जरूरी है इच्छा, पर उससे भी ज्यादा तू मेरे लिए जरूरी है। तू अगर बब्बल को इस मुसीबत से बचाना चाहती है तो तुझे मेरी बात माननी होगी। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानूंगी, आप सिर्फ बब्बल जी को बचा लो। ठीक है, मैं गुरुजी से इस सम्मोहन को तोड़ने की विनती करूंगी। छोरा, मैं सही जा रही हूँ ना? दादी और रॉकिंग। मैं कौशल्या देवी अपने पोते के संगीत में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज संगीत के मौके पे सबसे पहले नाचेंगे प्रबल और ममता। अरे दादी, मुझसे ना होएगा नाचवाच। क्यों? अरे मन ना है मेरा। नौटंकी ना कर, चुपचाप आके नाच, गाना लगाओ।
का मंझला पोता सबल और इस परिवार का सबसे छोटा पहलवान अप्पू। म्यूजिक खा दो तुम सबको कि तुम भी किसी से कम नहीं। अब बारी है होने वाले दूल्हे की और होने वाली दुल्हन की। दादी मैं यहाँ कैसे? छोरा तू इतना शर्मा क्यों रहा है? आज खुशी का दिन है, तुम दोनों के नाच के बिना थोड़ी पूरा होगा। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.